मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं DST न्यूज़। 3 महीने की लॉकडाउन के बाद जो अर्थव्यवस्था गिरी है उसको वापस से सुधारने के लिए सरकार ने अनलॉक 1 जारी किया है, जिसमें कुछ रियायतें दी गई हैं और दुकानों को खोला गया है। इस वक्त मैं रांची के डेली मार्केट के पास हूँ और आप देखिए ये जो इलाका है ये हिंदपीढ़ी के अंदर ही आता है और रांची में कोरोना मरीज जो है वो सबसे ज़्यादा इसी इलाके से मिली थी। हालांकि अब मरीज़ जो हैं वो ठीक भी होने लगे, ठीक भी हो रहे हैं और अब जो दुकानें हैं वो यहाँ पे एक एक करके खुलना शुरू हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दुकानें हैं, जितनी भी सटे दुकानें हैं वो एक दुकान खुलेंगी तो जो दूसरी दुकान है वो बंद रहेगी। इस तरह से जो है यहाँ पे डेली मार्केट का नज़ारा देखिए, ये मोबाइल हब है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ रहती है। और मैं दिखाना चाहूँगी आपको, यहाँ पे पुलिस भी जो है वो तैनात है, लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन जो है वो याद दिला रही है। और देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद ही दुकान में जा रहे हैं। और लगातार पुलिस जो है वो लोगों को सतर्क कर रही है और अनाउंसमेंट जो है वो भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो पुलिस के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया है उसका उल्लंघन ना हो इसके हिदायत दे रहे हैं। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने को कहा जा रहा है, सैनिटाइजेशन करने को कहा जा रहा है। ये रांची पुलिस जो है वो लगातार लोगों को सावधान कर रही है कि वो सामाजिक दूरी बनाएं और बेवजह घर से, अभी भी कहा जा रहा है कि बेवजह घर से ना निकले। जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हो वो क्या स्थिति अभी बन रही है, जिस तरीके से इस एरिया में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीजों की पुष्टि की गई थी, हालांकि अब मरीज ठीक भी हो गए हैं, लेकिन लगातार आप लोग हिदायत दे रहे हैं लोगों को, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा है, कभी कभी भीड़ में आता है लेकिन उसके बाद जो भी दुकानदार है, जितने भी मार्केटिंग करने के लिए आते हैं उनसे हम लोग सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बताते हैं और वो लोग इसका कुछ फॉलो भी करते हैं। और अभी देखें कि कुछ हद तक है सोशल डिस्टेंसिंग, आगे भी इस चीज़ को हम लोग बताते रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करेंगे। अच्छा, क्या दुकानें सारे खुलने की अनुमति दे दी गई है या फिर इस बात की ये? अच्छा, लोगों जिस तरह से लोग हमेशा विरोध कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बदमाशी भी करते थे, परेशान करते थे, क्या कुछ अब सभी का साथ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, सभी का साथ मिल रहा है, सभी लोग चूँकि समझ चुके हैं COVID-19 के प्रभाव को, इसलिए सभी अब मान रहे हैं इस बार। कब से आप लोग यहाँ पे रहते हैं, कैसे समझाते हैं, क्या कुछ मुश्किलें आती हैं? मुश्किलें आती हैं बहुत सारी, यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ तो रहता ही है और वाहन पार्क की थोड़ी कमी है, इस कारण से थोड़ा सा वाहन यहाँ से लगा हुआ रहता है, इसको समझाते हैं उनको, मान लेते हैं। तो अब कुल मिला के जो हिंदपीढ़ी का कहें डेली मार्केट का रिस्पांस कैसा जा रहा है आप लोगों का? हाँ, डेली मार्केट का ठीक है, लोग मान रहे हैं। हाँ, मान रहे। चलिए, तो बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा, जो COVID-19 का जो प्रभाव है उसका असर आप देख सकते हैं पूरे देश में दिख रहा है और इसी को लेकर के सरकार जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने को कहा है। और देखिए लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है कि अभी भी अनलॉक 1 जो हुआ है वो रियायत जो मिली है वो उन लोगों को मिली है जिनकी जो ज़रूरी जो है जो काम है वो चीज़ के लिए बाहर निकले, बेवजह घर से बाहर ना निकले। और जो अर्थव्यवस्था जो गिरी हुई थी उसे फिर से सुचारू रूप से वो चल सके, उसे पटरी पे ला सके, इसलिए रियायतें दी गई है, दुकानें खोली गई हैं। और देखिए डेली मार्केट का मैं एक बार फिर आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी, ये वही जगह है जहाँ से रांची में सबसे ज़्यादा कोविड के पेशेंट जो हैं, कोविड के मरीजों की पुष्टि की गई थी, लेकिन मरीज भी ठीक हो चुके हैं। और फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहें DST न्यूज़, गौरी रानी, रांची।